हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपके अपने चैनल टेक एम पर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर बात करूंगा IQ Neo 6 स्मार्टफोन के लॉन्च डेट के बारे में। इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है उसे IQ ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगा। इसके अलावा क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे स्मार्टफोन का, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे बस मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। IQ Neo 6 जो स्मार्टफोन है वो एक रीब्रांडेड स्मार्टफोन हो सकता है। अभी तक जो सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिले हैं उसे देखने के बाद यही लग रहा है कि ये एक रीब्रांडेड स्मार्टफोन होगा जो कि चाइना के अंदर भी लॉन्च हुआ है। वो कौन सा स्मार्टफोन है जो कि रीब्रांड होकर लॉन्च होने वाला है वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी के लिए चलिए बात करते हैं क्या वो स्पेसिफिकेशंस हैं हमें इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेंगे। IQ Neo 6 स्मार्टफोन के अंदर हमें 6.62 इंचेस का फुल HD प्लस E4 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा बात करें प्रोसेसर की, स्मार्टफोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। अभी तक के जितने भी प्रोसेसर हैं उनमें से मुझे ये जो वाला प्रोसेसर है 870 मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि बहुत ही स्टेबल परफॉर्मेंस इसके अंदर देखने को मिल जाता है। गेमिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से हो जाता है और डेली लाइफ के जो भी टास्क होते हैं वो भी आराम से हैंडल कर लेता है। सच में ये जो प्रोसेसर है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि IQ 7 के अंदर है और उसके अलावा Mi 11 X के अंदर है। बहुत ही कमाल के परफॉर्मेंस इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है इस प्रोसेसर के बदौलत। तो ये जो प्रोसेसर है इसके साथ लॉन्च होने वाला है तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ सच में। इसके अलावा स्मार्टफोन की बैटरी की बात करें, 4700 mAh का बैटरी हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ ही फास्ट चार्जिंग की बात करें, 80 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी ज़्यादातर स्मार्टफोन्स के अंदर 80 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा 12 मिनट्स के अंदर ये जो स्मार्टफोन है 50% चार्ज हो सकता है, मतलब बहुत ही कमाल की बात है। अब इतना ज़्यादा फास्ट चार्जिंग मिल रहा है तो इसका फ़ायदा भी होगा गेमिंग वगैरह करने के लिए। और इसके अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 36,907 mm स्क्वायर का आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जिससे कि हीट वगैरह जो है अच्छा कंट्रोल में रहेगा। ये चीज़ भी अच्छी है स्मार्टफोन के अंदर। और रैम और स्टोरेज की बात करें, यहाँ पर तीन तरह के रैम और स्टोरेज वेरिएंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि टॉप एंड वेरिएंट हमें 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज ऑप्शन होगा। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 6 GB और 8 GB ऑप्शन भी हो सकते हैं, और स्टोरेज में 128 GB और 256 GB ऑप्शन होंगे। और इसके अलावा रैम और स्टोरेज टाइप की बात करें, LPDDR4X रैम टाइप और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा कैमरास की बात करें, बैक साइड में हमें 64 MP का मेन कैमरा देखने को मिलेगा। इसके अंदर OIS का भी सपोर्ट होगा जिससे कि स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी मिल जाएगा। और थर्ड जो कैमरा है 2 MP का माइक्रो कैमरा होगा। सेल्फी कैमरा की बात करें, 16 MP का सेल्फी कैमरा हमें देखने को मिलेगा। तो कैमरा सेटअप भी बहुत ही अच्छा है स्मार्टफोन का। तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, ये एक रीब्रांडेड स्मार्टफोन होने वाला है। जो सारी स्पेसिफिकेशंस हैं उन्हें देखने से यही लग रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है जो चाइना के अंदर IQ Neo 6 SE के नाम से लॉन्च हुआ था, उसी स्मार्टफोन को रीब्रांड करके इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा IQ Neo 6 के नाम से। अब जब लॉन्च हो जाएगा ये बात क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये चीज़ थोड़े बहुत न्यूज़ में पता चल रहा है। अब ये जो बात है 90% सही हो सकता है, अब 10% हाथ में रख लो, अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। इन सब के अलावा न्यू सीरीज के अंदर ये पहला स्मार्टफोन होगा IQ की तरफ से। तो अब चलिए बात करते हैं डिज़ाइन की। IQ Neo 6 जो स्मार्टफोन है उसका डिज़ाइन कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब बैक साइड का जो कैमरा मॉड्यूल है वो स्क्वायर टाइप का है, वो ठीक ठाक लग रहा है। इसके अलावा फ्रंट साइड में जो डिस्प्ले है वो भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है, चिन थोड़ा सा है लेकिन ठीक है, इतना तो चलता ही है। इसके अलावा डिस्प्ले डिज़ाइन वगैरह मुझे सही लगा। इसके साथ ही चलिए बात करते हैं क्या प्राइसिंग हमें देखने को मिल सकता है स्मार्टफोन का। अब जो स्मार्टफोन है चाइना के अंदर लॉन्च हुआ था करीब 23,000 के आसपास, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर हमें प्राइसिंग जो है 25,000 से 30,000 के बीच में देखने को मिलेगा। ये रिप्लेस करेगा IQ 7 स्मार्टफोन को जो कि इसी सेम प्रोसेसर के साथ
है मार्केट में इंडिया में, तो मुझे लगता है स्मार्टफोन को लॉन्च करने के बाद IQ जो है डिसकंटिन्यू कर सकता है IQ 7 को, क्योंकि वो जो स्मार्टफोन है बहुत टाइम हो गया है मार्केट में है। अभी इनका नया स्मार्टफोन आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है आने के बाद IQ 7 स्मार्टफोन को डिसकंटिन्यू कर दिया जा सकता है। इसके अलावा लॉन्च डेट की बात करें, जैसे कि ऑफिशियली कन्फर्म है May 31st को स्मार्टफोन जो है इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, तो वेट कीजिए, जो रिव्यू वगैरह आएंगे उन्हें देखिए, कैसा डिस्प्ले है, क्या कैमरा रिजल्ट है, उन सबको देखने के बाद आप डिसाइड करना कि स्मार्टफोन आपके लिए लेने के लायक है या नहीं। तो बस यही सारी बातें थी इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।